अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वह चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन के चैप्टर हमने पढ़ा। हमने इसका प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा कि हमारे पास अल्केन्स क्या होते हैं। हमने अल्केन्स को बहुत इंट्रोडक्शन इसका देखा, बहुत डिटेल में अल्केन्स को स्टडी किया। आज हम देखेंगे कि अल्केन्स की प्रिपरेशन अगर करें तो इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, किन मेथड्स के थ्रू हम अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। ठीक है, वैसे तो हमारे पास वैरायटी ऑफ मेथड होते हैं अल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उन्होंने दो मेथड बताए हैं कि हम अल्केन्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास मेथड है बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइन्स। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइन्स की अगर बात करें हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइन्स। अल्केन्स और अल्काइन्स की हमने इकट्ठी बात की है, यानी कि हम कह रहे हैं कि अगर हम अल्केन्स और अल्काइन्स की हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हमारे पास अल्केन्स प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, अल्केन्स और अल्काइन्स की बात हम इकट्ठी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इन दोनों मेथड में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज हैं। इनकी कंडीशंस होती हैं वो दोनों में सेम होती हैं, इनमें जिस चीज़ की एडिशन होनी होती है वो भी यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन का वर्ड अगर समझें तो हमारे पास हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन हमारे पास एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होती है जिसको हम कहते हैं H2। ठीक है, दूसरी हमारे पास होती है नेसेंट हाइड्रोजन, वो हमारे पास क्या होती है, इस फॉर्म में। एक हमारे पास होती है इस फॉर्म में, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन या फिर प्रोटॉन। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइन्स में जो हाइड्रोजनेशन होगी वो कौन सी होगी, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, यानी कि हमने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की यहाँ पे एडिशन करवाना है। ठीक हो गया, तो अगर हम देखें हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स, यानी कि अल्केन्स लें और उसमें हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की एडिशन करवाएं तो कैसे होगी। देखिए, हमारे पास एक अल्केन में कोई भी ले लें, लेट्स सपोज हमारे पास है इथीन। इथीन का स्ट्रक्चर यही होता है ना हमारे पास कि एक डबल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, और हमारे पास दो कार्बन है। मतलब क्या हो गया इसका, ईथ का मतलब दो कार्बन, प्रीफिक्स ईथ, और ईन आ गया इसका सफिक्स, क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड किस में होता है, ये डबल बॉन्ड किसका फंक्शनल ग्रुप है, तो वो हमारे पास अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अगर इसमें हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की एडिशन करवाएं तो हमारे पास होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास बनेंगे अल्काइन्स। सिंपल क्या होगा कि हम पहले डायरेक्ट कर लेते हैं इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि हमारे पास दोनों हाइड्रोजन ने यहाँ यहाँ पे आके जो है इसकी हाइड्रोजन की एडिशन होनी है। यहाँ पर भी एक लग गया, यहाँ पर भी दूसरी लग गई, हमारे पास क्या बन गया, इथीन से इथेन। बात समझ में आ गई, डबल बॉन्ड से वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, इथीन से इथेन बना, यानी कि हमारे पास अल्केन्स बना जो हम यहाँ पे प्रिपेयर करना चाह रहे थे। तो इथेन कैसे बना, बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स। अगर इसी बात इसी रिएक्शन का हम मैकेनिज्म स्टडी करें तो आपको पता है हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा ये बात डिस्कस की थी कि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बहुत, सिग्मा बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड होता है वो बहुत वीक बॉन्ड होता है। अब आपको पता है कि अगर मैकेनिज्म देखें हमारे पास क्या होता है, ये ही है ना हमारे पास इथीन। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब हो क्या रहा है कि अगर H2 को मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ओपन करके लिखें तो हमारे पास किस फॉर्म में लिखा जाएगा, इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब हम ये बात करके आए कि अल्केन्स में एक जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है और दूसरा हमारे पास पाई बॉन्ड होता है। अब ये स्ट्रांग है और पाई बॉन्ड वीक है, पाई बॉन्ड वीक है तो हम क्या करते हैं कि इसकी अगर ब्रेकिंग करवाएं तो हमारे पास ये बहुत वीक है, ये जल्दी टूट जाता है। जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा इन दोनों कार्बन के ऊपर एक एक फ्री रेडिकल आएगा। ठीक है, फिर हम उसको किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कोई किसी न किसी चीज़ की एडिशन करवाएंगे तो हमारे पास वो अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले तो अगर ये वाला बॉन्ड टूटे इनका, ये बॉन्ड टूटा तो इसके पास भी फ्री रेडिकल आ गया, इसके पास भी फ्री रेडिकल आ गया।
दूसरी तरफ अगर वापस एक बार पाई बॉन्ड यहाँ से टूट जाए, पाई बॉन्ड टूटा तो इसके पास भी एक रेडिकल आ गया और इसके पास भी एक रेडिकल आ गया। अब होगा क्या कि ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ये जाएगा इस कार्बन के पास, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन के साथ पास, ठीक है। यहाँ पे हम कहते हैं जब पाई बॉन्ड को हम तोड़ना होता है हम यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो वो कंडीशन यहाँ पे क्या है, हमारे पास निकल जो है वो कैटलिस्ट है और 250 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस तक हमारे पास टेम्परेचर होता है, ये कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास पाई बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। पाई बॉन्ड टूटा जाने से दोनों कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल आ गया, तो दोनों कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल आया तो वो फर्दर किसी ना किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करेंगी, किसी ना किसी चीज़ की एडिशन होगी हमारे पास, तो हमारे पास अगेन से वो सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखें कैसे, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ जा रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ जा रहा है, तो ये हमारे पास चीज बन गई कैसे, पहले CH2 था, मजीद एक हाइड्रोजन आया तो क्या हो गया CH3, सिंगल बॉन्ड फिर CH3। तो अब देखें कि हमारे पास जो पाई बॉन्ड था वो टूटा, मजीद उसकी हाइड्रोजनेशन हुई, हाइड्रोजन ऐड हुई, तो वो अगेन किस में कन्वर्ट हुआ, सिग्मा में। सिग्मा में हमारे पास क्या होता है, अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास, सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि इसका नाम क्या हो गया हमारे पास, इथेन अल्केन्स प्रिपेयर हो गया, जो हमने यहाँ पे असल में प्रिपेयर करने थे, ठीक है। तो कंडीशन अप्लाई करने से हमारे पास पाई बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है, पाई बॉन्ड एक बहुत वीक बॉन्ड होता है, ठीक है, होता वीक है लेकिन फिर भी तोड़ने के लिए कम अज कम कुछ ना कुछ कंडीशन तो रिक्वायर होती है ना हमें, तो हमने वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो हमारा पाई बॉन्ड टूट जाएगा और उसको हम जो है सिग्मा में अगेन कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की एडिशन करवाएंगे, हमारे पास ईथेन से ईथेन प्रिपेयर हो जाएगा, बात समझ में आ गई। तो अगर हम यही बात करें कि हमारे पास एक और एग्जांपल लें तो हमने ली ईथेन की, यानी कि ईथीन से ईथेन बनाए, अगर हम प्रोपीन लें तो प्रोपीन से भी हम प्रोपेन बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगली बात हम करते हैं कि अगर अल्काइन्स की हाइड्रोजनेशन करवाई जाए तो हमारे पास क्या बनता है, अच्छा अल्काइन्स की बात करें तो आपको इतना पता है कि अल्काइन्स में क्या होता है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, देख लेते हैं। अल्काइन्स में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है कि अल्काइन्स में बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम वन ट्रिपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। आपको ये पता है कि सिंपल अगर बात करें इस अल्काइन की तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, ये वाला भी पाई बॉन्ड है, ये वाला भी पाई बॉन्ड है, इसको जरा ओपन करके लिखते हैं ताकि हमें समझ आए कि कौन कौन सा पाई बॉन्ड है, 1 2 3 ये अल्काइन्स हैं, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड है, ये भी एक पाई बॉन्ड है। अब हमने ये बात कही थी कि ये बॉन्ड बहुत वीक होता है, थोड़ी सी कंडीशन अप्लाई करने से इस बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है, जब ये बॉन्ड टूटता है तो हमारे पास क्या बनता है, दोनों कार्बन के ऊपर एक एक फ्री रेडिकल आ जाता है, वहाँ पे अगर हम किसी ना किसी चीज़ की एडिशन करवा दें तो हमारे पास ये पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह क्योंकि दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर दूसरे पाई बॉन्ड को भी तोड़ना चाहे तो भी कंडीशन अप्लाई करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, दोनों कार्बन के ऊपर एक एक फ्री रेडिकल आएगा, ठीक है। फिर हम किसी ना किसी चीज़ की एडिशन करवाएंगे तो हमारे पास वो पाई से कन्वर्ट हो जाएगा सिग्मा में। अब देखेंगे दो पाई बॉन्ड है, दो दफा पाई बॉन्ड ने टूटना है, हम क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या होता है, टू स्टेप रिएक्शन होता है, क्योंकि हमारे पास दो पाई बॉन्ड है हमने दोनों को स्टेप वाइज तोड़ना होता है, ठीक है। जब अल्काइन्स की हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमारे पास सिर्फ टू स्टेप रिएक्शन हमें दिखता है, देख लेते हैं अब हमारे पास इसकी यहाँ पे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की एडिशन कैसे होती है। सिंपल अगर हम बात करें इथाइन की, इथाइन में क्या होता है हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को H2 को अगर ओपन करके लिखें तो ऊपर हमारे पास ये फॉर्म आएगी, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि पहले स्टेप में तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये टूटेगा, यहाँ से ये बॉन्ड भी ब्रेक हुआ इसका, ये बॉन्ड जब ब्रेक हुआ इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस लिया, इसने अपना वापस ले लिया, ये हमारे पास दोनों फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में आ गए। जैसे ही यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूटा, दोनों कार्बन के ऊपर एक एक क्या आ गया, फ्री रेडिकल आ गया। लेकिन ये सारा केस कब होगा, कैसे होगा, हम कहते हैं पाई बॉन्ड चूंकि एक वीक बॉन्ड है लेकिन तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस तो रिक्वायर है ना,
वो कौन सी कंडीशन है? वो हमारे पास है यहाँ पे जिंक, सॉरी अल्काइन्स की बात कर रहे हैं, हमारे पास निकल कैटलिस्ट होगा, 250 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस तक हमें टेम्परेचर रिक्वायर होगा। इतने टेम्परेचर पे और इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड था ये यहाँ से टूटा, दोनों कार्बन के ऊपर एक एक फ्री रेडिकल आ गया। ठीक है, अब होगा क्या, तो ये फ्री रेडिकल इसके साथ जो है वो अपना बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ जाके ऐड हो जाएगा। होगा क्या, हमारे पास CH था, CH2 हो गया डबल बॉन्ड CH2। अब आप ये देखें कि ये ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि हमारे पास सबसे पहले इथाइन से इथीन बना, अल्काइन से अल्कीन में हम आए हैं, अब अगेन हमने इथीन से इथेन यानी कि जो हम अल्केन्स बना रहे हैं वहां पे जाना है। यहाँ पे अगर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की एडिशन करवाएं हमारे पास इस तरह, अगेन निकल कैटलिस्ट होगा हमारे पास, और 250 से 300 डिग्री सेल्सियस तक हमें टेम्परेचर यहाँ पे रिक्वायर होगा। होगा क्या कि ये भी यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन, इसके पास अपना दोनों के पास एक फ्री रेडिकल आ गया, यहाँ से ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो दोनों कार्बन के ऊपर एक एक फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब हमारे पास अगेन ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये इसके साथ आके अटैच हो जाएगी ये वाली हाइड्रोजन, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, इथाइन से इथीन और इथीन से हमने इथेन बना लिया, क्लियर होगी बात। हमारे पास दो सिग्मा दो पाई बॉन्ड थे, हमने दो स्टेप में सिलेक्शन को किया, पहले में हमने इथाइन लेके मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऐड करवाया, निकल कैटलिस्ट और 250 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, तो हमारे पास ये इथाइन से इथीन में कन्वर्ट हुआ। अगेन इथीन में डबल बॉन्ड था, एक सिग्मा बॉन्ड था, दूसरा पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड को तोड़ा हमने अगेन बाय द एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एंड 250 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, जबकि हमें पता है कि हमारे पास पाई बॉन्ड वीक है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे ये वाली कंडीशन जरूर चाहिए होंगी पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी, और हमारे पास फर्दर जो हाइड्रोजन की एडिशन होगी वो हमें क्या प्रोडक्ट देगी, वो हमारे पास अल्केन्स हमें देगी, यानी कि इथेन हमारे पास एक अल्केन है क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड है, हमारे पास एक सिग्मा सिंगल सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हमारे पास। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पे अपने रिएक्शन के मैकेनिज्म को भी देख रहे हैं कि कैसे कैसे पाई बॉन्ड टूट रहा है और कैसे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वो फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में आके इस वाले के साथ एडिशन उसकी कैसे हो रही है। ठीक हो गया, अब अगली बात करते हैं रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। एक बात हमने कर लिया कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स में हम अल्केन्स और अल्काइन से अल्केन्स बनाते हैं, अगली बात हम कह रहे हैं रिडक्शन करनी है ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की। देख लेते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन हमारे पास कैसे होती है। सबसे पहले बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन क्या होती है हमारे पास, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और थर्ड हमारे पास है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। बात करते हैं रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं हमारे पास, आपको नाम से समझ आ रही है अल्काइल, अल्काइल मतलब आर, कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप। हैलाइड्स, हैलाइड्स क्या होता है हमारे पास, हैलोजन, कोई ना कोई हैलोजन हमारे पास किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, तो आर एक्स यानी के अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, अब अल्काइल हैलाइड हम कैसे बनाते हैं, हम कहते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर किया जा सकता है बाय द डेरिवेशन ऑफ अल्केन्स, यानी कि हमारे पास होते हैं डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स, इसको हम कहेंगे हमारे पास क्या है, अल्काइल रेडिकल्स। बात करते हैं पहले अल्काइल हैलाइड्स जो हैं ये क्या होते हैं, अगर हम देखें कि हमने कहा था कि जब भी हमारे पास अल्केन्स की बात करते हैं यहाँ पे कि अल्काइल हैलाइड्स से पहले अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं, ये बात हम पीछे बहुत डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं, थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं कि अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं, हमारे पास जो अल्केन्स ही डेरिवेटिव्स होते हैं अल्केन्स के डेरिवेटिव्स, अल्केन्स के डेरिवेटिव्स हमारे पास क्या होते हैं, अल्काइल
रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या होते हैं, पीछे हमने ये चीज़ बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली है। यहाँ पे हम अपना जो है थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं पिछला, कि अल्केन्स के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, अल्काइल रेडिकल्स। अब अल्काइल रेडिकल्स हमारे पास बनते कैसे हैं, ये हमारे पास बनते हैं बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि अल्केन्स में से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, हमारे पास क्या बन गए, अल्काइल रेडिकल्स बन गए। ठीक हो गया। अगर हम बात करें कैसे अल्काइन्स में से हमारे पास कैसे एक हाइड्रोजन की रिमूवल होती है, लेट सपोज हमारे पास एक है मीथेन, यहाँ पे ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड था, ये जब बॉन्ड टूटा इसके पास अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसके पास अपना अनपेयर इलेक्ट्रॉन। होगा क्या कि ये यहाँ से बॉन्ड टूट गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, CH3 के ऊपर एक फ्री रेडिकल आ गया। यानी कि हमारे पास एक पूरा अल्केन था, एक अल्केन में बहुत सारे सारे सिंगल कवरेंट बॉन्ड थे, वो एक बॉन्ड टूटने की वजह से दोनों ने अपने अपने जो शेयरिंग की हुई थी वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस ले लिया। जैसे इलेक्ट्रॉन्स को वापस लिया, हमारे पास CH3 यानी कि मीथेन से मिथाइल बन गया। यानी कि मीथेन हमारे पास था जिससे हमने स्टार्ट किया, बन क्या गया हमारे पास मिथाइल। क्यों हम कहते हैं, जब भी हमारे पास एक हाइड्रोजन की रिमूवल होती है तो एन से चीज़ किस में कन्वर्ट होती है, वाइल में। ठीक है, यानी कि मीथेन से मिथाइल में, इसी तरह ईथेन से इथाइल में, प्रोपेन से प्रोपाइल में, ब्यूटेन से ब्यूटाइल में, पेंटेन से पेंटाइल में, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हम कहते हैं कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं। अब अगर बात करें हमारे पास हैलाइड्स क्या होते हैं, हमने हाइड्रोजनेशन रिडक्शन पढ़नी है अल्काइल हैलाइड्स की, रिडक्शन पढ़ लिया हमने, मेन क्या होता है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन होती है। हमने देख लिया कि अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं। अगर बात करें हैलाइड्स की, सिंपल हैलाइड्स की, सिंपल हैलाइड्स हमारे पास क्या होते हैं, असल में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पहले एक एक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, फिर हम रिएक्शन करेंगे कि हमारे पास कैसे अल्केन्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो हैलाइड्स जो होते हैं हमारे पास, ये क्या होते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हमारे पास हैलोजन्स होते हैं। हैलोजन्स हमारे पास क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, हैलोजन्स हैं। ठीक है, अब अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास जो हैं वो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हैं। अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास CH3Cl है, इसको हम क्या नाम देंगे, ये हमारे पास अल्काइल है, ये हमारे पास हैलाइड है, यानी कि RX जनरल फार्मूला इसका, R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, X कोई भी हैलोजन हो सकता है, इसको नाम क्या देंगे हम, अल्काइल हैलाइड है, लेकिन अगर नाम दें मिथाइल क्लोराइड, ऐसे ही होगा, ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, क्लोरीन हमारे पास क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, CH3Cl को हम क्या कहेंगे, मिथाइल क्लोराइड। इसी तरह अगर यहाँ पे हमारे पास इथाइल हो, इनके दो कार्बन हो, कोई चेंज कर दें हैलोजन, आप फ्लोरीन लगा लें, C2H5F, क्या नाम देंगे, इथाइल फ्लोराइड। अगर यहाँ पे आयोडीन लगाएं तो इथाइल आयोडाइड, ब्रोमीन लगाएं तो इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, यहाँ पे अगर हम चेंज करें, हम यहाँ पे कर देते हैं प्रोपाइल फ्लोराइड, हम यहाँ पे क्या देते हैं, पेंटाइल ब्रोमाइड, कुछ भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, अगली बात हम करते हैं रिडक्शन की, कि अब रिडक्शन होनी कैसे है, कि अल्काइन्स की हम अल्काइलाइड्स की हम रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास कैसे अल्केन्स बनेगी। हम कहते हैं कि हमारे पास CH4Br था, इससे हमारे पास क्या बना, CH3Br। पहले तो थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे, सी के साथ क्या थे हमारे पास, पहले इसके साथ हमारे पास थे ब्रोमीन, Br2 की फॉर्म में था, एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब ये Br, ये Br, होगा क्या, ये बॉन्ड जब यहाँ से टूटा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ पे इस कोवेलेंट बॉन्ड से ये भी टूट गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक Br जाएगा इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, दूसरा Br जो है वो आपस में इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बनेगा, ये H और ये Br क्या बना लेंगे, HBr,
और ये CH3 था साथ में, वो बी आर आ गया, तो क्या बन गया, CH3Br। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास CH3Br को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अगली बात हम कह रहे हैं कि अगर इस CH3Br, हम कह रहे हैं कि हमारे पास रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में हम यहाँ पे हाइड्रोजन या मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का यूज नहीं करते। ठीक है, हम क्या करते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन को यूज करते हैं। हमारे पास CH3Br के साथ जब ये हाइड्रोजन रिएक्ट करती है तो क्या बनता है हमारे पास, कि इसका अगर ओपन स्ट्रक्चर लिखें तो क्या होगा। ठीक है, अब ये दो हाइड्रोजन है हमारे पास, ये बॉन्ड जब यहाँ से टूटा, ये बॉन्ड जब टूटा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया। ठीक है, इसमें से दो थे, एक ने आके इसके साथ बॉन्ड बनाया, दूसरे ने आके इसके साथ बॉन्ड बना लिया। हम साथ में मैकेनिज्म स्टडी कर रहे हैं। फिर जब इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया तो क्या हमारे पास बना, एक हाइड्रोजन इसके साथ आके लगा तो क्या बन गया, HBr। दूसरा हमारे पास ये CH3 था, एक और हाइड्रोजन आ गया तो क्या बन गया, CH4। यानी कि हमने यहाँ पे मिथेन बना लिया, साथ में HBr हमारे पास बन गया। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पे जिंक हमने ऐड किया साथ में डाइल्यूट HCl। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशंस थी वो क्या थी कि हमने नेसेंट हाइड्रोजन को यूज किया, साथ में जिंक को और डाइल्यूट HCl को यूज किया, तो हमारे पास ये अल्केन्स बन गए, हमारे पास यहाँ पे रिडक्शन हो गई है। ठीक है, अगर हम रिडक्शन करें अल्काइल हैलाइड्स की तो हमारे पास अल्केन्स बन जाते हैं। अब हम बात यहाँ पे कर रहे हैं डाइल्यूट HCl की। अब डाइल्यूट HCl क्या होता है देख लेते हैं थोड़ा सा। डाइल्यूट HCl और कंसनट्रेटेड HCl, दोनों में फर्क देखें तो हमारे पास कंसनट्रेटेड में क्या होता है कि सॉल्वेंट कम मिकदार में होता है और हमारे पास जो सोल्यूट होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो जब हमारे पास फर्ज करें चीनी बहुत ज्यादा है लेकिन पानी बहुत कम है तो वो गाढ़ा होगा। ठीक है, कंसनट्रेटेड होगा। डाइल्यूट में क्या होगा, हमारे पास सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सोल्यूट कम होगा। यानी कि हमारे पास चीनी यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लें तो वो कम है, शुगर कम है, लेकिन पानी हमारे पास ज्यादा है तो वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा। हम यहाँ पे इस तरह डाइल्यूट HCl, जिसमें हमारे पास सॉल्वेंट ज्यादा होगा, ये कह लें वाटर ज्यादा होगा लेकिन हमारे पास सोल्यूट बहुत कम होगा, तो हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट HCl। ठीक है, अगर हम बात करें इथाइल ब्रोमाइड की, इथाइल ब्रोमाइड में क्या होता है, हमारे पास एक ब्रोमीन लग गया, ये दोनों तीनों हाइड्रोजन एच 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 और ये भी दो एच। अब इथाइल ब्रोमाइड से हमें क्या करना है, नेसेंट हाइड्रोजन की एडिशन करवानी है। होगा क्या कि यहाँ पे कर लेते हैं, हमारे पास ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन आ गया, दो थे, एक आया इसके साथ रिएक्ट किया, दूसरे ने हमारे पास इसके साथ रिएक्ट किया, तो क्या बन गया, हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके ऐड हुआ, बाकी के सारे हाइड्रोजन वैसे के वैसे रहे। यहाँ पे बी आर के साथ एक हाइड्रोजन आया तो क्या बन गया, HBr। यानी कि हमने इथाइल ब्रोमाइड से इथेन बना लिया। हम ये पढ़े हैं अल्काइल हैलाइड्स से अल्केन, तो अल्काइल हैलाइड्स क्या है, इथेन ब्रोमाइड। ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड बन क्या रहा है हमारे पास, अल्केन इथेन, सिंपल इथेन है, दो कार्बन है हमारे पास, छह हाइड्रोजन है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे सिंगल सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड है और ये हमारे पास अल्केन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पर्पज भी यही था कि हमने अल्केन्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है, अगर अब यहाँ पे हमने दोनों मेथड्स पढ़ लिए, हाइड्रोजिनेशन क्या होती है, हमारे पास रिडक्शन क्या होती है, अब हमारे पास थोड़ी सी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसको देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या होती हैं। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि अल्केन्स फॉर्म्स अ होमोलोगस सीरीज। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखें, कह रहा है कि अल्केन्स जो हमारे पास एक होमोलोगस सीरीज बनाते हैं कंपाउंड्स की। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि होमोलोगस सीरीज बनती है, नई बात पीछे पढ़ ली है। अगली बात भी कह रहा है कि फर्स्ट फोर मेंबर्स होते हैं ना, यानी कि इथेन मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये सारे सारे क्या होते हैं, हमारे पास गैसेज होते हैं। बाकी हमारे पास पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डीकेन, ये सारे सारे हमारे पास लिक्विड्स होते हैं और इससे जो हायर मेंबर होते हैं वो सारे सारे हमारे पास सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, दूसरी बात वो ये कह रहे थे दे आर नॉन पोलर, ये हमारे पास नॉन पोलर होते हैं, हमने ये बात पीछे बड़ी डिटेल में कर ली कि हमारे पास अल्केन्स नॉन पोलर होते हैं क्योंकि हमारे पास सारे के सारे हाइड्रोकार्बन जो है वो नॉन पोलर होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें जो है हमारे पास हाइड्रोकार्बन का नॉन पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है,
थर्ड हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, डेंसिटी ऑफ अल्केन्स इंक्रीज ग्रेजुअली, यानी कि अल्केन्स की डेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज, d इज इक्वल टू m ओवर v. अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली डेंसिटी इंक्रीज करेगी. ठीक है, फोर्थ पॉइंट वो कह रहा है कि द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स इंक्रीज रेगुलरली विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइजेस. जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज हो रहा है, हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्केन्स के, ये भी हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्केन्स. कह रहा है कि ये हमारे पास क्यों इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो अल्केन्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज जो है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, वो इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो जब हमारे पास, हम कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास ज़्यादा होगी, हमें बॉन्ड तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इनको तोड़ने के लिए भी. ठीक हो गया, अगली बात वो कह रहे हैं अल्केन बिकम मोर विस्कस एट द मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज. जिससे अल्केन का मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करता है, अल्केन हमारे पास विस्कस होते हैं, इनके गाढ़े होते जाते हैं. ठीक है, लास्ट इनका प्रॉपर्टी क्या है, अल्केन बिकम लेस फ्लेमेबल, दैट इज मोर डिफिकल्ट टू बर्न विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज. जैसे इसका मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होता है, हमारे पास अल्केन्स लेस फ्लेमेबल होते हैं, उसको हम इतना जला नहीं सकते. ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्केन्स, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइन्स, हमने अल्केन्स को प्रिपेयर किया, फिर साथ में रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड से अल्केन्स को प्रिपेयर किया, फिर हमने इसकी 5 to 6 फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जो हमारे पास अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज आ रही थी. अब आगे हम देखेंगे कि हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.